नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सेनेटिक का आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जो हम कमेंट पे बात करने वाले एक भैया थे विश्वजीत करके, उन्होंने क्वेश्चन था कि पांच स्विच आर एक सॉकेट। तो हमने यहाँ पे पांच स्विच, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार स्विच, पांच स्विच, चार एक सॉकेट ले लिया। ठीक है, सेम डायग्राम में भी हमने यहाँ पे पांच स्विच ले लिया, एक दो तीन चार, अरे पांच आर एक यहाँ सॉकेट। तो इसका वायरिंग करेंगे, बड़ा आसान तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर डायग्राम हम देखा जाए तो हमारा जो जितना स्विच, ये जितना स्विच है ना, ये सारे इसके नीचे टर्मिनल हम क्या करना, फेज इन करा देना। तो हमारा जो फेज का वायर आएगा, ठीक है, जो फेज का वायर जो भी आएगा उसको क्या करना है हमको, ये सारा स्विच में हमको इन करा देना फेज में। तो हमारा सारा स्विच यहाँ पे, तो ये सारा स्विच में क्या करेंगे, फेज का वायर को इस तरीके से लूप बना के हमको क्या कराना, बस शॉर्ट करा देना। हमारा जो फेज का वायर है वो कहाँ जाएगा, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में। उसके बाद एक सॉकेट का काम है, तो ये स्विच से ये सॉकेट को हमको चलाना है। तो यहाँ पे एल लिखा होगा, यहाँ पे एन लिखा हुआ होगा, देखिएगा। ठीक है, अगर यह सॉकेट में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक जगह एल और एक जगह एन लिखा हो, तो जहाँ एल लिखा हो वहाँ स्विच से इस टर्मिनल में यहाँ शॉर्ट करा देना है बस। तो क्या होगा, ये हमारा जो फेज का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ अगर न्यूट्रल आता है, ठीक है, तो न्यूट्रल आएगा तो न्यूट्रल का जरूरत हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारा इंडिकेटर और इंडिकेटर रहता है तो और न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है। पर हमारा सॉकेट है तो हमें सिर्फ सॉकेट में जरूरत पड़ेगा, अगर इंडिकेटर रहता है तो इंडिकेटर में भी हम न्यूट्रल एक ले जाते हैं। ठीक है, अब बचा ये स्विच का काम। तो यहाँ पे जो भी होल्डर वोल्डर कनेक्शन होगा, यहाँ से स्विच को ऊपर टर्मिनल से ही आउट होकर कनेक्शन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका अगर कनेक्शन को करना तो क्या करेंगे, सारा स्विच को शॉर्ट कराना फेज का वायर से। हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लूप ले लेंगे। ठीक है, आप अलग अलग तार से भी लूप बना सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम शॉर्ट करा देते हैं। अभी क्या होगा, ये फेज हमारा हर जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फेज जो है हमारा सारा स्विच में आ गया। अब यहाँ से क्या, अगर जो भी बल्ब वल्ब जलाना है ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से आप आउट करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिससे ऊपर से आउट किस तरीके से होता है, आप वो देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, बस एक ये स्विच हमको ये फेज में आउट कराना था ये सॉकेट में। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लूप ले लेंगे और हम यहाँ से शॉर्ट करा देंगे। जैसा डायग्राम में सेम हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले। अब हम क्या करना है, देखिए फेज का वायर जो आएगा क्या करना है, फेज का वायर को हम यहाँ कहीं भी इन कराएंगे तो चल जाएगा, न्यूट्रल को यहाँ पे इन कराना है। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ इन कराना। अगर बॉडी अर्थिन आया हुआ है तो बॉडी अर्थिन हमारा इस टर्मिनल में लगेगा यहाँ पे, तो बॉडी अर्थिन का अगर वायर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ले आना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो इस कनेक्शन के लिए हमको जो वायर लगेगा, क्या करते हैं, हम फेज न्यूट्रल है बॉडी अर्थिंग को इन कराते हैं। तो हम इस तरीके से एक वायर ले लेते हैं। तो हमारे इसमें क्या है, फेज भी आया हुआ है, न्यूट्रल भी आया हुआ है, बॉडी अर्थिंग भी आया हुआ है। तो हमारा फेज कहाँ इन कराएंगे, फेज हम कहीं भी इन कराएं। ठीक है, ये पाँचों के निचला टर्मिनल कहीं भी इन कराएंगे तो सब में पहुँच जाएगा। तो क्या करते हैं, एक जगह इन करा देते हैं, यहाँ इन करा देते हैं। इसके बाद हमारा बॉडी अर्थिन का है, तो बॉडी अर्थिन कहाँ लग रहा है, बस यहाँ पे लग रहा है, तो बॉडी अर्थिन यहाँ दे देते हैं। हम इसको चेक करके भी देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आया हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, बस न्यूट्रल का जरूरत हमारा यहाँ सॉकेट में। तो क्या करेंगे, सॉकेट में न्यूट्रल दे देंगे। अगर इंडिकेटर रहता है तो साथ में एक और वायर लेके जाना पड़ता हमको। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल सा वायरिंग, बस इतना सा आपको वायरिंग करना। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कैसे कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन चेक करने के लिए क्या है, एक टेस्टिंग होल्डर लिया है। अब टेस्टिंग होल्डर से हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते थे और इसको हम एक बार चेक करके देख लेंगे। तो ये जो हमारा कनेक्शन है वो सही है, आप हर तरीके से कर सकते हैं चेक। ठीक है, अगर यहाँ पे आए तो आपका देखिए कोई भी स्विच का जो हमारा फेज है नीचे टर्मिनल में आया हुआ और न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे, देखिए फेज यहाँ पे दिया, न्यूट्रल यहाँ दिया, तो ये हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, सेम इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।